السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخين. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. शेख जब रिश्ता देखने जाने पर एक लड़का और लड़की दोनों अगर कोई तलाकशुदा है तो पूछना चाहे तो शेख कि तलाक की वजह क्या थी और खुला का वजह जैसा कि उल्टा उल्टा केस भी शेख अगर औरत भी पूछ सकते जी 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 देखिए देखिए आप हर वो चीज पूछ सकते हैं जो आपकी मसलहत में है, आपकी जो आप क्योंकि शादी करने का इरादा रखते हैं सामने वाले से, तो जाहिर है शादी जब कर रहे हैं तो शादी के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें आप देखना चाहेंगे अपने पार्टनर में जो आप अभी से जानना चाहते हैं। तो हर वो चीज जो आपकी मसलहत में है और उसके पूछने में कोई कबाहत नहीं है तो उसे पूछ सकते हैं। हाँ, अगर सामने वाला नहीं बताना चाहता है, हो सकता है कोई ऐसा मसला हो जो ना बताना चाहता हो, तो आप इसरार मत करें, वरना पूछने में कोई कबाहत नहीं है। क्योंकि उस लड़की को तलाक क्यों हुआ है, खुला क्यों हुआ है, ये इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी वही मसला आए। जी, तो जब हमारी शरीयत ने देखने की इजाजत दी है तो इस तरह का कोई जो बड़ा सबब है और कोई जाहिर है उसका निकाह हुआ था, अपने शौहर के साथ थी, कोई गलत रिश्ते में नहीं थी, तो उसके पूछने में आपको कोई मेरे ख्याल से किसी को एतराज नहीं होना चाहिए कि अगर आप बता सकते हैं मुनासिब है तो बताएं क्या वजह। जी 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 शेख, कुछ मतलब कुछ महीने पहले मैंने शेख नसीम से पूछा था कि एक दूसरे के पास्ट सेंस पूछना जायज है क्या, तो उन्होंने बताया कि ये जायज नहीं है, वहां पर झूठ बोलने की भी उलमा ने इजाजत दी है करके जवाब दिया था शेख। तो अगर शेख मान लीजिए कि मैं अगर रिश्ता देखने जाऊं एक लड़की है। देखिए दोनों में फर्क है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज ऐड कर दिया था अपनी बात में अभी बोलते हुए कि वो जो लड़की जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि आपका तलाक क्यों हुआ है, आपकी तलाक क्यों हुई है, वो लड़की जिस आदमी के साथ थी वो कोई नाजायज रिश्ते में नहीं थी, किसी आप हराम काम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं या उसके किसी नाजायज रिश्ते के बारे में, और आप अब जो कह रहे हैं उसके पास्ट के बारे में पूछना, वो आप एक नाजायज चीज के बारे में पूछ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि उसकी तलाक हुई है तो किसी सबब से हुई होगी, खुला हुआ है किसी सबब से हुआ होगा, तो ये असल है। और किसी आदमी के बारे में यूं ही ये गुमान करना कि इसका पास्ट कैसा रहा होगा, ये खिलाफ असल है। असल ये है कि हर आदमी बरी है, हुस्ने जन जिसको हम कहते हैं, हर आदमी के बारे में हुस्ने जन, तो हुस्ने जन तो यही है ना कि आपके सामने जो लड़की है या लड़का है उसका पास्ट साफ सुथरा है, असल तो यही है। उसका पास्ट का खराब होना ये तो खिलाफ असल है, तो आप वहां पर खिलाफ असल चीज पूछ रहे हैं, और तलाक के मसले में जो आप पूछ रहे हैं कि तलाक क्यों हुई, ये असल के मुताबिक पूछ रहे हैं आप, लिहाजा दोनों मसलों को एक साथ मत जोड़िए, दोनों में बहुत फर्क है। जी जी नहीं शेख, मेरा जी मेरा नियत ये नहीं थी शेख, ये अलग मसला के तौर पे पूछा था शेख मैंने, ये जो तलाक वाला मामला था जी। तो असल सवाल ऐसा है शेख कि अब देखिए, एक अगर किसी लड़की ने जिना करके प्रेग्नेंट हो गई, अब उसमें तीन केसेस हो सकते हैं शेख। मिसाल के तौर पे वो अबॉर्शन करा सकती है, या फिर बच्चा को ऐसे ही पैदा होने देती है, या फिर एक और केस भी आता है कि एड्स हो सकते हैं शेख। तो ऐसे अगर ऐसे तीन केस में अगर हो भी गए कोसा भी, तो उसको यहाँ उस गुनाह को छुपाना छुपा सकते हैं शेख, और झूठ बोलना यहाँ पे जायज है क्या उसे, जैसा कल और झूठ और यहाँ पे झूठ बोल सकती है क्या, झूठ बोल सकती है क्या? देखिए हर कंडीशन में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जवाब है। जवाब अगर उसको बीमारी हो गई है एड्स जी, तब तो उसके लिए इसको छुपा करके शादी करना जायज ही नहीं है, किसी भी तरह से नहीं जायज है। अगर उसको कोई ऐसी बीमारी है जिस बीमारी, कोई एड्स ही नहीं, कोई भी ऐसी बीमारी है जिस बीमारी का उस आदमी के ऊपर उसकी शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ने वाला है, उस बीमारी को छुपाना जायज नहीं है। अगर वो छुपा करके करती है तो बाद में
उस पर सवाल उठाने का उस शौहर को इख्तियार है, निकाह को फस्क करने का इख्तियार है, अगर उसने छुपाया है जानबूझ करके तो जी। तो ये तो बीमारी का मसला हो गया, क्योंकि उस बीमारी का उसके ऊपर असर पड़ने वाला है, उसकी शादीशुदा जिंदगी पर, उसकी मसलहत के खिलाफ है वो। दूसरी बात, अगर उसको हमल हो गया है, अब वो शादी करना चाहती है जी, तो पहली बात तो उसका, उस औरत का शादी करना किसी और से उस वक्त तक जायज नहीं है जब तक वो तौबा ना कर ले जी, वो तौबा ना कर ले। और जब उसने तो गोया की तौबा करने से पहले जायज ही नहीं है, तो अब तौबा से पहले शादी के मसले पर हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो जायज ही नहीं है जी। अब तौबा उसने कर लिया, अब तौबा करने के बाद बताने का मसला है कि क्या वो बताए। भाई जब तौबा उसने कर लिया तो अब उसको जानिया नहीं कहा जाएगा, तो जब जानिया कहा नहीं जाएगा तो फिर बताने का सवाल भी नहीं पैदा होता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो जब उसने अगर सच्चे दिल से तौबा कर लिया तो अब उसको बताना जरूरी नहीं है कि मैंने ये गुनाह किया है, क्योंकि तौबा के बाद शरीयत उसको जानिया नहीं मानती है। और जो एबॉर्शन का मसला है, एबॉर्शन कतान जायज नहीं है, एबॉर्शन कतान भी जायज नहीं है। कोई जानिया है उसका एबॉर्शन जायज नहीं है, उसको बच्चा पैदा करना है। इसके कई असबाब हैं। पहला सबब तो ये है कि वो जो बच्चा है वो एक जीरू है, वो एक इंसान है, उसको कत्ल करना जायज नहीं है जी। जुर्म उस औरत ने किया है, उस बच्चे ने नहीं किया है, उस बच्चे को उसकी सजा क्यों दी जाएगी, ये एक बात। दूसरी बात, अगर आप एबॉर्शन की इजाजत देते हैं तो आप बताइए कि इसके नुकसान कितने ज्यादा हैं। आप एक दरवाजा खोल रहे हैं जी, जेना करो एबॉर्शन करवाओ, इसलिए ये कतान भी शरीयत के उसूल की रोशनी में एबॉर्शन कतान भी जायज नहीं है। एक और यहां पे बात जिक्र कर दूं जो इसी से रिलेटेड है, कि अगर वो जो जानी है, जानी मर्द, वो शादी करना चाहे कि मैं इससे शादी कर लूं और जो है ताकि किसी को पता ना चले, उससे पहले पहले हम दोनों शादी कर लें, शादी कर लें, दोनों शादी कर ले, शादी कर ले। हाँ, तो इसमें सही बात यह है कि हालत हमल में किसी औरत से शादी करना जायज नहीं है, हालत हमल में शादी करना यह जायज नहीं है। और कोई आदमी ये ना कहे कि वो उसकी उसी का हमल है, उसी आदमी का, भाई उस आदमी का हमल शरई तरीके से नहीं है, नहीं है, उस पर शरई अहकाम मुरतब नहीं होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर से मना किया है कि अगर हमल किसी और का है तो उस औरत से कोई दूसरा मर्द रिलेशन नहीं बना सकता, और वो हमल शरीयत के यहाँ उस आदमी का नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो शरान वो हमल नहीं हुआ है। इसलिए उसका जब तक वो वज़ह हमल ना हो जाए, विलादत ना हो जाए, तब तक उससे किसी का भी शादी करना ये जायज नहीं है। इन तमाम चीजों को दिमाग में रख करके तब कोई इकदाम करेगा इस तरह के घिनौने जुर्म में। जी शेख, एक बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा शेख, उस शेख का, तो शेख एक बड़े उलमा ने, बड़े उलमा को एक औरत ने सवाल किया शेख कि मैं अबॉर्शन करा चुकी हूँ, अब मुझे जब हमबिस्तरी होगा तो वो तो शोहर देखेगा शेख कि मात क्या है करके, तो जब वो शादी के रिश्ते के लिए बैठेगी अबॉर्शन करा के, तब उस पर हुक्म क्या है? मैं पूछना चाह रहा था शेख, अगर उसको सीधा मुंह पे तो नहीं पूछा गया शेख कि तूने जिना किया कि नहीं, मगर बातों से पता चल रहा था कि शेख उस वो जो मर्द है वो एक वर्जिन बेबी की इच्छा रख रहा है, तो इस वक्त उसे मुंह खोलकर बोलना यानी रिश्ता ठुकराना चाहिए या फिर उसे झूठ बोलकर कर लेना चाहिए शायद, ये मेरा असल सवाल था। जैसा कि भाई देखिए, ये सवाल इस चीज पर डिपेंड करता है कि हम उस आदमी को ये इजाजत दें कि जब आप शादी करने जाना किसी लड़की से तो उससे पूछ लेना कि वर्जिन हो कि नहीं। तो जब हम इसकी इजाजत ही नहीं दे रहे हैं कि आप किसी लड़की से पूछो कि वर्जिन हो कि नहीं, जब इसकी इजाजत नहीं है। उनका सवाल ये है ना कि जैसे शादी के बाद अगर बीवी पर वो मार्क देखता है, जैसे अगर उसने अबॉर्शन करवाया है या कुछ हुआ है तो वो मार्क देखता है उसके पेट वगैरह पर, और फिर उससे मतलब जानने की कोशिश करता है कि ये क्यों है, तो क्या वो औरत झूठ बोल सकती है या उसको सच बोलना पड़ेगा? देखिए, अगर हकीकत में ऐसे मार्क्स हैं जो यकीनी तौर पर, अब देखिए उसमें तफसील में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अगर यकीनी तौर पर उस औरत को पता है कि मैं पकड़ी जाऊंगी, पता चलेगा ही चलेगा, तो ऐसी सूरत में अगर उसको लगता है कि बता देने में ही बेहतरी है तो बता दे वो,
क्योंकि बाद में खराबी पैदा होने से बेहतर है कि पहले बता दे। लेकिन अगर, और मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह की कोई सिचुएशन होती है मेडिकली कि बिल्कुल कोई श्योर बता दे कि हकीकत में इस औरत का पास्ट ऐसा है, ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में होता हो। तो अगर उसको लगता है कि बाद में उसको पता चल ही जाएगा, तो या तो बेहतर है वो औरत उससे पहले ही जो है मना कर दे शादी से, या तो वो बता दे, क्योंकि जब शादी के बाद उसको पता चलेगा तो उसके ताल्लुकात खराब होंगे। तो लिहाजा देखिए, तमाम ये कई सूरतें बन रही हैं और हर सूरत पर आप एक ही हुक्म नहीं लगा सकते। बस शरीयत का ये हुक्म अपनी जगह पर बाकी रहेगा कि किसी भी औरत से शादी करते हुए आप उससे ये नहीं पूछोगे कि तुम्हारा पास्ट क्या ऐसा ऐसा है, ये नहीं पूछ सकते आप। अब ये उस औरत पर है, डिपेंड करता है, वो बताना चाहे तो। जी, जज़ाकल्लाहु खैर।